स्टडी विद ग्रेट सिस्टर्स। ओके, तो हमने चैप्टर 16 स्टार्ट किया था डब्ल्यू बी क्लास 9th का, एंड सर्कम सर्कल ऑफ अ सर्कल, वृत्त की परिधि। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर रहे थे लास्ट वीडियो में, मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था, साथ ही साथ हमने फॉर्मूलाज भी देखा था और एक और दो क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप देख लेना। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड इस तरीके से लिखा है, ट्रेन की एक पहिए के अर्धव्यास की लंबाई 0.35 मीटर है। एक पहिए का अर्धव्यास दिया हुआ है, ठीक है। एक मिनट में पहिया 450 बार घूमता है तो ट्रेन की चाल प्रति घंटा कितने किलोमीटर होगी, ये बताना है। ट्रेन की चाल से मतलब है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हमें फाइंड करना है, और इसे मैं इंग्लिश में भी बता देती हूँ, ठीक है। अर्धव्यास दिया हुआ है और एक मिनट में पहिया इतनी बार घूम रहा है, तो हमें फाइंड क्या करना है, ट्रेन की गति, ट्रेन की चाल, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। ओके, देयर इज गिवन द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ द ट्रेन इज 0.35 मीटर एंड इट मेक्स 450 रेवोल्यूशंस पर मिनट, देन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन पर आवर। पर आवर के अकॉर्डिंग हमें इसका वेलोसिटी फाइंड करना है, एंड व्हाट इज गिवन, रेडियस इज गिवन, रेडियस मतलब अर्धव्यास, रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ द ट्रेन, व्हील्स ऑफ द ट्रेन इज गिवन इक्वल्स 0.35 मीटर, ठीक है। तो ट्रेन का जो ये पहिया होगा, चक्का होगा, इसका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। ये रेडियस दिया हुआ है 0.35 मीटर, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये बनाना नहीं आपको, या फिर आप साइड में कर सकते हैं इसे सर्कम। तो हम क्या निकालेंगे, अगर एक मतलब एक बार ये जो व्हील घूमेगा तो ये अपना ही जो परिधि है, जो इसका डिस्टेंस उसको कवर करेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ से ये घूमना स्टार्ट किया, तो इस तरीके से एक बार चक्कर लगाया, तो ये अपने आप को ही घुमा रहा है। इसका मतलब एक रिवोल्यूशन हम में एक रिवोल्यूशन हम निकालेंगे, उसके बाद वो कितने रिवोल्यूशन ले रहा है, 450 रिवोल्यूशन ले रहा है पर मिनट, ठीक है। तो एक रिवोल्यूशन ले रहा है तो उसको कितना दूरी वो तय कर रहा है, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है एक रिवोल्यूशन लेने में, वो हम निकालना पड़ेगा। तो एक रिवोल्यूशन का मतलब है कि अपने आप को ही ये घुमा रहा है, इसका मतलब हमें सर्कमफेरेंस निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील फर्स्ट, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई द सर्कमफेरेंस बाय द 450 रिवोल्यूशंस, ठीक है। उस सर्कमफेरेंस जो कि डिस्टेंस आया, उस डिस्टेंस को 450 मतलब 450 बार वो रिवोल्व कर रहा है उसको, तो वो हमें वहां से निकालेंगे, ठीक है। तो वहां पे वो द व्हील कंप्लीट्स 450 रिवोल्यूशन इन वन मिनट निकालेंगे, उसके बाद में आपको जैसे जैसे बनाएंगे उस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन फाइंड करना था, ओके तो डिस्टेंस हमें निकालना था, तो वहाँ से हम इस तरीके से कर सकते हैं, वेलोसिटी निकालना है, डिस्टेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं रिवोल्यूशन से, ठीक है। और जैसे ही 450 से मल्टीप्लाई करेंगे इस परिधि को, सर्कमफेरेंस को, तो डिस्टेंस निकल जाएगा, और हमें निकालना है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, टाइम एक घंटे में निकालना है, एक घंटे से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ द ट्रेन, हमने लिख लिया। सर्कमफेरेंस हम निकालेंगे, हम सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, व्हील का सर्कमफेरेंस क्या होगा, ठीक है, दैट इज 2πr, ओके, 2πr, 2 × 22/7, क्योंकि पाई इज इक्वल 22/7 एंड आर इज 0.35 मीटर, ठीक है। ये मीटर में ही सब आ रहा है क्योंकि मीटर में ही दिया हुआ है। अब सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे 100 आ जाएगा, 7 × 5 = 35। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 220/100, दैट विल गेट 2.2 मीटर डिवाइड करने पे, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील आ गया 2.2 मीटर, ओके। और यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है कि व्हील कंप्लीट्स 450 रिवोल्यूशंस इन वन मिनट, ठीक है। एक मिनट में वो 450 रिवोल्यूशंस करता है, तो वो 450 रिवोल्यूशंस वो वन मिनट में करता है, तो 60 मिनट में कितना करेगा, ठीक है। तो व्हील विल कंप्लीट 450 रिवोल्यूशन इन वन मिनट, एंड व्हील विल कंप्लीट 450 रिवोल्यूशंस इन, अगर 60 मिनट, वन आवर अगर हम देख लें, ठीक है, वन आवर, 60 मिनट्स और वन आवर, वन आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना कंप्लीट करेगा रिवोल्यूशंस, उसके हम क्या करेंगे, हम
60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 450 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। तो 60 से मल्टीप्लाई करें इसको, तो इसे पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसको एक ही साथ कर दिया जाएगा, आप इतना करके छोड़ दो, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या क्या निकालना था, यहाँ पे सर्कमफेरेंस हमने निकाल लिया, एक घंटे में वो इतना रिवॉल्व कर रहा है, तो इतना अपने ही डिस्टेंस को कितने, इतना बार रिवॉल्व करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन आवर, ठीक है। वन आवर हमने यहाँ कर लिया है 60 से मल्टीप्लाई, वन आवर इक्वल्स 450 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 2.2 मीटर, क्योंकि अपनी ही परिधि को घुमा रहा है ना, तो इस 450 रिवोल्यूशन को हमें इसकी परिधि या फिर इसके सर्कमफेरेंस से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। मतलब कि एक चक्के को या फिर पहिए को एक घंटे में दूरी तय करने में कितना दूरी लगेगा, ठीक है, इज इक्वल टू दिस, इस तरीके से हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, और ये आपका मीटर में है, ठीक है। तो मीटर से किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो मल्टीप्लाई 1000 होता है, और जब मीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो 1000 से डिवाइड, ठीक है। तो हम इसे 1000 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड 1000। अब हमें सबको ऊपर से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 59.4 किलोमीटर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन आ गई हमारा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ट्रेन इक्वल्स 59.4 किलोमीटर, ठीक है। हमने यहाँ पे किया क्या, डिस्टेंस डिस्टेंस बाय टाइम कर दिया, डिस्टेंस टोटल इतना कवर हो रहा था, और टाइम टाइम हमारा ओके तो यहाँ पे सॉरी डिस्टेंस बाय टाइम करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पहले ही दिया था व्हील कंप्लीट 450 रिवोल्यूशन इन वन मिनट, तो एक मिनट में इतना रिवोल्यूशन करता है तो 60 मिनट में कितना करेगा ये हमने निकाल लिया, और साथ ही साथ अपने रिवोल्यूशन का जो उसका डिस्टेंस है वो कितना था, 2.2 मीटर, तो 2.2 मीटर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें उसका वेलोसिटी मिल गया 59.4 किलोमीटर पर आवर। आवर मतलब कि इसे मीटर को अगर हमने किलोमीटर में चेंज कर दिया तो ये आवर में चेंज हो गया था, क्योंकि यहाँ ही हमने आवर में चेंज कर दिया था 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसी तरीके से आपका ये थर्ड नंबर कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ट्रेन की एक पहिए, सॉरी थर्ड तो हो गया, अमोदपुर गांव के एक वृत्ताकार मैदान के अर्धव्यास की लंबाई 280 मीटर है। मतलब एक वृत्ताकार फील्ड है, सर्कुलर फील्ड है, उसकी अर्धव्यास के रेडियस का लेंथ दिया हुआ 280 मीटर, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मैदान को परिक्रमा करना चाहती है, मतलब उसका राउंड लगाना चाहती है। तो मैदान के चारों ओर परिक्रमा करने में चैताली को कितना समय लगेगा, ठीक है। एक बार उसको चक्कर काटने में, मतलब पूरा चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है। तो उस चक्कर काटने के लिए डिस्टेंस भी हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास डिस्टेंस तो है नहीं, हमारे पास अर्धव्यास है। तो इस अर्धव्यास से हम क्या करेंगे, उस गोल घेरे का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। दैट इज हम परिधि निकाल लेंगे उसका, और जैसे ही हम सर्कमफेरेंस निकालेंगे हम क्या करेंगे, ये जो इसका चाल है, ठीक है, इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा उसका टाइम, कितना टाइम में वो डिस्टेंस को कवर करी, क्योंकि इसका स्पीड हमारे पास है, और टाइम निकालने के लिए होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, वो लगा के हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ओके देन 44 स्पीड इज गिवन, एंड ये मान लो वो फील्ड है जिसका अर्धव्यास रेडियस दिया हुआ है 280 मीटर। ओके तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि 44 स्पीड, इसका वेग, चैताली का वेग कितना है, 5.5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप ध्यान से देखो कि ये मीटर में है, तो ये किलोमीटर में है, इसे हमें चेंज करना होगा, ठीक है। तो 5.5 मल्टीप्लाई 1000 अगर हम कर देते हैं तो ये मीटर में चेंज हो गया, और इस आवर को भी हमें मिनट में चेंज करना होता है, तो इसे हम 60 से डिवाइड कर देंगे। पर आवर का मतलब है डिवाइडेड वन आवर, ठीक है, और डिवाइड को यहाँ पे मैंने डिवाइडेड 60 कर दिया। ओके पर का मतलब ही होता है डिवाइड, इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है। दैट इज यहाँ पे हो जाएगा 5500 डिवाइडेड 60 मीटर, मीटर पर मिनट, इस तरीके से होगा मिनट। चलो मैं पूरा लिख दूँ, मीटर पर मिनट आ गया हमारा। ओके
अब हम निकालेंगे रेडियस इज ऑल्सो गिवन, रेडियस ऑफ द फील्ड, रेडियस ऑफ सर्कुलर सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू 280 मीटर. ओके देन वी हैव टू फाइंड द सर्कमफेरेंस. ठीक है, ये चारों तरफ घेरा, सर्कमफेरेंस परिधि, वृत्त की परिधि ऑफ सर्कुलर फील्ड इक्वल्स 2πr. दैट मीन्स 2 × 22 / 7 × r 280. 7 से इजी डिवाइड हो जाएगा 40 टाइम्स से, और सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1760 मीटर. तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर फील्ड आ गया 1760 मीटर. अब हमें निकालना है टाइम. हमारे पास डिस्टेंस है, सर्कमफेरेंस क्या है, इज द डिस्टेंस, और ये हमारे पास क्या है, उसका स्पीड है. तो हम इजिली टाइम निकाल सकते हैं. तो टाइम टू कवर कवर वन अराउंड वन अराउंड ऑफ द सर्कुलर फील्ड फील्ड कितना टाइम लगेगा इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड स्पीड. ओके, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 1760 मीटर. एक बार चक्कर लगाने में चैताली को जितना समय लगेगा बराबर 1760 मीटर बटा स्पीड. स्पीड आपका कितना है 5500 डिवाइडेड 60. तो ये जो डिवाइड, ये बड़ा सा डिवाइड, ये जो 60 है वो ऊपर चला जाएगा 1760 × 60 / 5500. अब बस इसे हमें कैलकुलेट करना है. सारे जीरो को मैं कट कर दूंगी और ये डिवाइड हो जाएगा, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, 11 5 ज़ा और यहाँ हो गया 11 11 1 ज़ा 11 और 11 6 ज़ा 16. ठीक है, 16 × 6 दैट इज 96 / 5. दैट मीन्स अगर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये 19 whole 1/5 मिस्टर वो में करें तो इतना मीटर आया. दैट इज हम लिख सकते हैं 19 मीटर और 1/5 को अगर मिनट है, मिनट को अगर हम सेकंड में चेंज करें तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. दैट इज अगर 1/5 × 60 होता है दैट इज 12 सेकंड आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे 19 मिनट 12 सेकंड हम लिख सकते हैं. तो यही आपका हो गया आंसर. ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगा, चैताली को 19 मीटर एंड 12 सेकंड्स का टाइम लगा वो पूरा एक बार राउंड करने में. ओके, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया. अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में. देखिए लिखा हुआ है तथागत ने तांबे के एक तार को आयताकार मोड़ा है. ठीक है, जिसकी लंबाई 18 मीटर एंड चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है. मैंने इस तार को मोड़कर एक वृत्त बना लिया, तो इस वृत्ताकार लंबे तार का अर्धव्यास कितना होगा ये बताएं. ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि तथागत बेंड अ कॉपर वायर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. एक कॉपर वायर को उसने रेक्टेंगल की फॉर्म में बेंड किया था. रेक्टेंगल वायर विच लेंथ इज 18 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर. इफ आई मेड अ सर्कल बाय बेंडिंग दिस कॉपर वायर, इफ इसी वायर से मैं सर्कल बना दूं, ओके, देन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो हमें आर फाइंड करना है एंड वी हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके, बहुत ईजी है. आपको ध्यान देखो कि जो ये तार था, तार से उसने पहले क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाया. ओके, रेक्टेंगल बनाया, इसका मतलब जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर था वो उसी तार से मैंने उसको क्या बना दिया, सर्कल बना दिया. मतलब कि जो ये जो तार है वो चेंज नहीं हुआ, उसका लेंथ उतना ही था, उसे चाहे आप रेक्टेंगल बना लो या फिर सर्कल बना लो. इसका मतलब जो उसका सर्कमफेरेंस या फिर पेरीमीटर था वो बिल्कुल सेम था. तो हमें क्या करना है कि इसका पेरीमीटर से इसके सर्कमफेरेंस को इक्वल कर देना है, बिकॉज वो इक्वल ही था, एक ही तार था, इतनी ही लंबाई थी, और उसी को या तो रेक्टेंगल बना दिया गया है तो कभी सर्कल बना दिया है. तो हम क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल करेंगे तो वहां से हम आर फाइंड कर सकते हैं. देखो हम लिखेंगे पहले कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, मतलब कि वृत्त की परिधि बराबर
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत की परिसीमा, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दैट मीन सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का। अब यहाँ पे 2 22/7 कर सकते हैं, बट r वी डोंट नो। यहाँ पे 2 लेंथ हमारे पास है, 18 मीटर ब्रेथ हमारे पास है, 18 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपका ये आ जाएगा 33। हाँ, 2 मल्टीप्लाई 33 दैट इज 66 आ गया। और यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं करना है, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r, यहाँ पे हमें कैलकुलेट कर देना है, r निकालेंगे तो ये जो है 2 डिवाइड में चला जाएगा, ये जो 7 है ये ऊपर आ जाएगा और ये जो 22 है ये डिवाइड में चला जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसे हमें कैलकुलेट कर लेना है तो 11 2 ज़ा एंड 11 6 ज़ा 2 3 ज़ा दैट मीन्स 7 3 ज़ा 21 21 डिवाइडेड 2। ओके, तो 21 डिवाइडेड 2 अगर आप इसे डिवाइड कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 10.5 सेंटीमीटर। नहीं तो आप इतना भी रख सकते हैं, इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर। ओके, ना रेडियस ऑफ द, रेडियस हमने फाइंड कर लिया, रेडियस लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉपर वायर इक्वल्स 10.5 सेंटीमीटर आंसर। तो इस तरीके से ये बनेगा। ओके, यानी हमने यहाँ पे रेडियस फाइंड कर लिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, एक अर्धवृत्ताकार मैदान की परिसीमा 108 मीटर हो तो मैदान का व्यास की लंबाई ज्ञात करें। मतलब अर्धवृत्ताकार एक मैदान है उसकी परिसीमा दी हुई है, मतलब कि जो सर्कुलर पार्ट है वो भी दिया हुआ है और जो सीधा पार्ट होता है वो भी दिया हुआ है। देन फाइंड द व्यास और फाइंड द डायमीटर। ओके, चलो इसे बनाते हैं। ओके, देन हियर इट इज गिवन द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर फील्ड इज 108 मीटर। पेरीमीटर, अब पेरीमीटर यहाँ क्यों कहा गया मैं आपको बताती हूँ। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू 108 मीटर। यहाँ पे पेरीमीटर इसलिए कहा गया है कि एक तो ये कर्व पार्ट है, साथ में ये स्ट्रेट पार्ट भी इसके साथ एडेड है, इसीलिए ये पेरीमीटर है। अगर ओनली कर्व पार्ट होता तो हम क्या कहते हैं, हम कहते सर्कमफेरेंस, बट यहाँ पे ये वाला पार्ट भी है, ऑल्सो इज देयर, इसीलिए हम इसे कहते हैं पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर यूज कर रहे हैं। ओके, मतलब कि बात वही है, परिधि ही है, परिसीमा ही है, बट यहाँ पे दोनों चीजें ऐड है, वक्र क्षेत्र भी है और स्ट्रेट वाला पार्ट भी है, इसलिए हम इसे पेरीमीटर कह रहे हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड इज 108 मीटर। और हमें पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि फॉर्मूलाज में कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर एरिया हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r, दैट इज पाई आर प्लस 2r इज गिवन 108 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से हमें r कॉमन ले लेना है, पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 108 मीटर और r यहाँ से पाई 22/7 प्लस 2 दोनों को ऐड कर लेंगे तो r इज इक्वल टू 36 आर मल्टीप्लाई 36/7 इज इक्वल टू 108, दैट मीन्स आर इक्वल्स 108 क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड 36। ठीक है, अब 36 से ये कट जाता है, ये 3 टाइम्स में कट जाता है, 36 3 ज़ा 108 तो 7 3 ज़ा 21 रेडियस आ गया, बट वी हैव टू फाइंड द डायमीटर, व्यास हमें निकालना था। एंड डायमीटर ऑफ द फील्ड, डायमीटर ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2r होता है, 2r होता है ना फॉर्मूला, तो 2 मल्टीप्लाई r हमने कर दिया, दैट मीन्स आ गया डायमीटर 42 मीटर एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।
ठीक है। इसी तरीके से हमने डायमीटर फाइंड कर लिया क्वेश्चन नंबर 6, और आज के इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक ही रहने देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया कराया जा रहा है। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। आपका एग्जाम भी आने वाला है, और किसी भी चैनल को पर आप ये नहीं देखेंगे कि आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल रहा हो। ये यूनिक चैनल है, तो प्लीज़ सपोर्ट अस, ओके, एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। बाय बाय।